जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के लिए जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इस जन सुनवाई में जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी आम जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयासरत रहे। कार्यक्रम में जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र, आमेर विधायक प्रशांत शर्मा, चोमो विधायक शिखा मील और आदर्श नगर विधायक रफीक खान भी मौजूद रहे और जन सुनवाई में भाग लिया। बेसिकली तो ये एक रेगुलर आपका ड्रिल है और उसमें जो भी पहले से जो भी आपका एजेंडा था, जिसमें जो लोगों ने पहले परिवार दिए थे, उनके संबंध में जो कुछ भी यहाँ से कार्रवाई हुई, उसमें कुछ लोग बाग संतुष्ट हैं, कुछ नहीं संतुष्ट हैं, तो दोबारा आते हैं। कलेक्टर साहब की मौजूदगी में वापस उनको जो भी रिलीफ देना है, एक तरीके से एनीवन के कम एट एनी टाइम उनको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। और ये है कि पारदर्शिता से जो भी काम होता है, यही इसकी एक सही। इसमें आप देखिए सामने ऑल SDM हेडक्वार्टर्स आर देयर ऑन वर्चुअल डिस्टिंग। टाइम टू टाइम द कलेक्टर साहब के यहाँ से बकायदा निर्देश दिए गए। कोई भी अगर लास्ट फोन पे भी आता है, अभी भी जैसे कोई आ जाए, तो तुरंत वहाँ आदमी फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए जाता है। वाटर लॉगिंग के बहुत मामले हैं जो जयपुर शहर के भी हैं, जयपुर शहर के पैराफ्री के भी हैं। दैट ऑल्सो विल टेक अप वंस वी आर अवेयर की वेयर द थिंग इज गॉन रॉन्ग, कहाँ फैसिलिटीज इंक्रोच हो गई हैं, कहाँ फैसिलिटीज डैमेज हो गई हैं और कहाँ ऐसी चीज है जो फैसिलिटीज हैं ही नहीं, ये सारे के सारे टेक केयर। सरकार अपने स्तर पर सारे काम कर रही है, देख लें। जैसे अभी अभी कलेक्टर साहब ने बताया, मैंने भी कल बात की थी, तो CO साहब गए हुए थे वहाँ पर और जो मकान ढहने के कगार पर आसपास का स्तर खाली भी कराया है और मिट्टी के कट्टे वगैरह का भी व्यवस्था है, मडफॉर्म भी है, तो सारा जो भी आपदा में जरूरत है उन चीज़ों को सब लोगों को सहायता मिल रही है। ये अभी शुरू ही हुई है जन सुनवाई और चूंकि बारिश का भी मौसम है तो इस कारण अभी कम संख्या में आए, और चूंकि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें जैसे जो अभी आए थे कि रास्ता दो बार खुलवा दिया और दोनों बार खुलवाने के बाद भी तीसरी बार फिर एनक्रोच हो गए, तो इस तरह के केसेस भी आते हैं। उसमें सामने वाले को पाबंद करने के लिए भी डायरेक्शन दिए गए हैं। जमीन के डिस्प्यूट हैं या फिर दूसरे नगर निगम के लोकल बॉडीज़ के दूसरे डिपार्टमेंट के भी इश्यूज़ हैं। कई बार एक दो बार सॉल्यूशन होने के बाद भी वापस वो डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं, उसके लिए भी डायरेक्शन दिए हैं कि समझाइश से कोशिश करें कि वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए। और बाकी भी जो परिवार हैं उसमें सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स प्रयास करते हैं कि जो समाधान है वो तुरंत ही उसका निकल सके। देखिए बिल्कुल ये माननीय उच्च न्यायालय के भी निर्देश हैं और एक कमेटी भी बनी हुई है और रेगुलर इंस्पेक्शन भी करते हैं। हमने भी एक कमेटी बनाई है, उसकी भी रिपोर्ट के अनुसार जो भी JDA का एरिया है या फिर रेवेन्यू का एरिया है उसका सर्वे रेगुलर भी कराया जाता है। कोई कंप्लेंट बेसिस पे भी कार्रवाई कराई जाती है कि जो भी वहाँ का फ्लो एरिया है तो उसमें कोई भी बाधाएं उसको तुरंत ही दूर करें। कुल आज ये जो मीटिंग है बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है और हम सभी लोगों ने सामूहिक रूप से मिलकर आपदा प्रबंधन, अतिवृष्टि से कैसे निपटा जाए और आमेर से संबंधित जो भी विषय थे, जैसे सागर की दीवार में हल्का लीकेज है तो उसके लिए मैंने अभी यहाँ वन विभाग के अधिकारी बैठे हुए हैं, नगर निगम के हेरिटेज के अधिकारियों से वहाँ पे हमारे नाई की थड़ी वाले एरिया में पानी किस तरीके से भरा हुआ है, उसको कैसे ड्रेन आउट किया जा सकता है और हमेशा के लिए परमानेंट सॉल्यूशन हो। अखेपुरा है हमारे यहाँ ग्रामीण इलाकों में, अखेपुरा में भी पानी का फ्लो कई बार कॉलोनियों में बस चला जाता है, तो वहाँ के लिए भी कहा है। बिहारीपुरा में हमारे चौमू से नगर पालिका का पानी आता है, उसके लिए भी हमने वो विषय उठाया है, यहाँ पे कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाए हैं। कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है यहाँ के अधिकारियों के साथ में मिलकर कि उसको शीघ्र निराकरण करेंगे। बिजली की समस्या है, बिजली के 33 KVA के जो ग्रिड स्टेशन है उनमें कई बार फॉल्ट आते हैं, बरसात की वजह से भी आते हैं और समय समय पे कई जगह बिजली के जो आपूर्ति है वो निर्बाध रूप से नहीं हो पा रही। उस सब विषयों को हमने आज यहाँ रखा है और अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया है कि उस बारे में शीघ्र उनका निराकरण करेंगे। एक मेरा सुझाव यहाँ पे ये भी है कि जैसे बरसात ज़्यादा है इस समय अपने निजी साधनों से आना बहुत दुष्कर हो जाता है, तो कुछ अलग से ट्रांसपोर्ट की ऐसी व्यवस्था की जाए परिवहन की कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा और ठीक ढंग से संधारित किया जाए जिससे कि लोगों को आवाजाही में असुविधा नहीं हो, क्योंकि आमेर जयपुर शहर के बहुत नज़दीक है
और लोग डेली आके और अपने गांव वापस जाते हैं, तो वहां पे ट्रांसपोर्ट के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट किए कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाए कि जिससे सभी को सुविधा हो सके। साइन ऑफ एंकर। सुनवाई के दौरान अधिकारियों के सामने आमजन ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। इनमें अधिकतर पेंशन, बिजली, पानी, राशन समेत सरकारी योजनाओं का प्रॉपर लाभ नहीं मिलना और कुछ अधिकारियों की लापरवाहियों के मामले भी सामने आए, जिनका जनसुनवाई करने वाले अधिकारियों और नेताओं ने समाधान करने का प्रयास किया। वहीं जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेश कुमार नवल सहित संबंधित विभागों के लिए जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित थे। अधिकारियों ने आम जन की परिवेदनाओं को सुना और उनके समाधान के लिए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।